सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने नर्सिंग कॉलेज बनाने का मंसूबा छोड़ दिया। पीजीआई हुकूमत में सोशल सिक्योरिटी की जानिब से नर्सिंग मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी दी गई। मुल्तान रोड पर सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में नर्सिंग कॉलेज बनाया जाना था। कॉलेज में मजदूरों के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जानी थी। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने नर्सिंग कॉलेज बनाने का मंसूबा छोड़ दिया है। पीटीआई हुकूमत में सोशल सिक्योरिटी की जानिब से नर्सिंग मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी दी गई थी। मुल्तान रोड पर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज बनाया जाना था, जबकि कॉलेज में मजदूरों के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जानी थी। सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट ने नर्सिंग कॉलेज बनाने का मंसूबा छोड़ दिया है। पीटीआई हुकूमत में सोशल सिक्योरिटी की जानिब से नर्सिंग मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी दी गई थी। मुल्तान रोड पर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज बनाया जाना था, जबकि कॉलेज में मजदूरों के बच्चों को मुफ्त तालीम भी दी जानी थी। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट किया जा रहा है, इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, सोशल सिक्योरिटी का एक और मंसूबा जो है वो बंद कर दिया गया है। ये पीटीआई की सूबाई हुकूमत में ऐलान किया गया था कि सोशल सिक्योरिटी का जो मुल्तान रोड हॉस्पिटल है वहाँ पर नर्सिंग जो कॉलेज बनाया जाएगा, इस हवाले से हुकूमत से भी मंजूरी ली गई और बीओजी से भी मंजूरी लेगी, लेकिन अब आकर उस मंसूबे को ड्रॉप कर दिया गया है और ज़राए का कहना है कि ये मंसूबा अब नहीं बनेगा। इससे पहले जो है वो मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया गया था, 3 साल तक उस मंसूबे पर भी काम हुआ, लेकिन उसको रोक दिया गया। एक दफा फिर उस मंसूबे पर काम शुरू करने का फैसला किया गया, लेकिन नर्सिंग कॉलेज का जो मंसूबा है इसको बंद कर दिया गया है। और ये जो ऐलान किया गया था इसके मुताबिक नर्सिंग जो बनने के ख्वाहिशमंद हैं उनको इस इदारे से तालीम मिलनी थी और इधर से ही उन्होंने पैसे के अस्पतालों में ड्यूटी भी देनी थी और जो वर्कर्स के बच्चे हैं उनको इन इस कॉलेज में मुफ्त तालीम मिलनी थी, लेकिन इस मंसूबे को अब बंद कर दिया गया। जी आपका शुक्रिया आतिफ।